सो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रही है और इसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये इसका जो प्राइस टैग है वो भी बहुत कम है और मे बी ये डिवाइस जो है सैमसंग A52 को टक्कर देने वाली है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज दानिश सुमरो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल store4u.pk। गाइस आज जो हम डिवाइस अनबॉक्स करने जा रहे हैं वीवो की V21e जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और हमारी कोशिश थी कि सबसे पहले इसको अनबॉक्स करें, बट अभी भी हम जो है बहुत जल्दी अनबॉक्स कर रहे हैं मार्केट में क्योंकि आज से सेलिंग इसकी स्टार्ट हो रही है, कल तक सेलिंग नहीं थी। और शायद मेरी वीडियो जब तक आ जाएगी तो आज ही हम कोशिश करेंगे कि इसको अपलोड कर दें और आज से ही इसकी सेलिंग स्टार्ट हो रही है। V21e का एक मैं खास फीचर आपको बताने जा रहा हूँ, स्टार्ट में आपको एक खास फीचर बताने जा रहा हूँ कि इसमें 8GB रैम है, बट कंसीडर आप इसमें 11GB रैम करेंगे। कैसे 11GB रैम करेंगे? इन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 8GB रैम पूरी नहीं पड़ती है, फुल हो जाती है और उसको रिक्वायर्ड ज़्यादा रैम की, तो ऑप्शन आ जाएगा कि रोम से 3GB रैम ले लो। ठीक है, देयर विल बी कन्वर्टेड 3GB रोम इनटू द रैम। ठीक है, ये बड़ी अमेजिंग टेक्नोलॉजी थी, जब मैंने सुना और देखा तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, पर जब मैंने ट्राई किया और रिसर्च की और वीवो वालों ने भी मुझे बताया कि वीवो की टीम ने कि सर ये हमारा एक खास फीचर आ रहा है जो कि इस डिवाइस में है। सो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रही है और इसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये इसका जो प्राइस टैग है वो भी बहुत कम है और मे बी ये डिवाइस जो है सैमसंग A52 को टक्कर देने वाली है। इसमें जो है 8GB और 128GB जो है 8GB रैम और 128GB रोम है और डिज़ाइन भी बड़ा डिफरेंट दिया है, एक डायमंड फ्लेयर कलर दिया है और एक ब्लैक कलर दिया है, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है बैक पर और एक डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ आए हैं। और बॉक्स पैक प्राइस टैग आपको मार्केट, वैसे तो इसका ऑफिशियल प्राइस 46,000 है, बट आपको 42-41 में मार्केट में मिल जाएगा। सो लिंक में डिस्क्रिप्शन भी है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं और V21 में मैं डिस्काउंट भी दूंगा आपको। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में और आप वहाँ पर वाउचर या तो 500 का होगा या तो 1000 का, ये एंड में वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोग एक्साइटेड हो वाउचर के लिए। सो लेट्स गो एंड अनबॉक्स दिस V21e। सो गाइस जो है इसके कुछ की हाइलाइट्स में आपको बता दूं, दिस इज 6.44 इंच का डिस्प्ले है इसका और 8GB रैम और 128GB रोम है इसकी, 4000mAh की बैटरी है और अगर इसकी डिज़ाइन और लुक्स की बात हम इसको अनबॉक्स करने की बात करते हैं, सो अनबॉक्स करते हैं। पीछे हम जो है ब्लैक कलर में इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं, विच इज़ रोमन ब्लैक और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 44MP आई फोकस ऑटो आई फोकस कैमरा, मीन्स कि आप आई आएगी तो फोकस आपकी आई को करेगा। 64MP नाइट कैमरा है इसमें, ये भी लिखा हुआ है। 33W की फ्लैश चार्ज है जो कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है डिस्क्लेमर 3GB एक्सटेंडेड रैम रियलाइज्ड बाय सॉफ्टवेयर, एक्सटेंडेड रैम हो जाएगी जब सॉफ्टवेयर रियलाइज करेगा कि इसमें रोम नहीं है। सो दिस टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग, इसको अनबॉक्स करते हैं ब्लैक कलर में। सो लेट्स अनबॉक्स। वैसे बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर इस बार वीवो ने बनाई है और मुझे ज़रा यहाँ पर लेबलिंग है बॉक्स की और ऊपर से ही इन्होंने फ़ोन दे दिया है फर्स्ट, और ये IMS स्टिकर आते हैं जो कि इनके टैग्स होते हैं। सो गाइस दिस इज़ द फोन। अच्छा गाइस जो है इसके फ्रंट है सुपर एमोलेड स्क्रीन दी है इस बार वीवो ने, इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगी, फ्रंट ग्लास है, बैक प्लास्टिक है और बैक पे 64MP कैमरा है और एक आपको बताया कि अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, एक 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है और 8MP अल्ट्रा वाइड कैमरा है और ये डुअल फ्लैश LED लाइट है। यहाँ से आपको वॉल्यूम बटन और यहाँ पे पावर बटन है, ऊपर वॉइस कैंसिलेशन, यहाँ पर वॉइस कैंसिलेशन माइक भी दिया है और इस साइड से सिम ट्री आपको दी हुई है कि और इसके सिम ट्री चेक करके देख लेंगे कि डुअल सिम है, हाइब्रिड है, क्या है। टाइप सी आपको मैंने बताया कि 33W की फास्ट चार्जिंग है और 3.5mm का जैक है। सो फोन जो है यहाँ पर है हमारे पास, अब हम इसकी एक्सेसरीज में देखते हैं कि क्या है। एक सिलिकॉन केस दिया है और कुछ पेपर वर्क है जो कि आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। अच्छा सिम इंजेक्टर टूल, ये जो है इसका सिम इंजेक्टर टूल भी बड़ा डिफरेंट दिया है और इस बार जो है ये दिस इज़ अ सिलिकॉन केस और ये भी फाइन क्वालिटी में दिया है इस बार इन्होंने।
इस बार मुझे जो वीवो की ये डिवाइस मुझे पर्सनली बेहतर लगी है, वैसे तो मैं ओप्पो वीवो के हमेशा खिलाफ बोलता रहा हूँ, बट इस बार मुझे ये वीवो की डिवाइस जो है बेहतर लगी है। सो सिम ट्रे इसकी इंजेक्ट करके यहीं बता दूँ मैं आपको कि ये दिस इज़ अ टू सिम एंड वन मेमोरी कार्ड, यू कैन चेक इट इन दिस के ये आपके पास जो है दो सिम और एक मेमोरी कार्ड है, ये आपका सिम इंजेक्टर। अच्छा, ये जो रेड मार्क है ये वाटरप्रूफ के लिए देते हैं कि मीन्स क्या इसमें पानी वानी या गैस वेस या मिट्टी वट्टी ना जाए। सो ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी सिम इंजेक्टर टूल में। सो इसको वापस मैं इंसर्ट कर दूं। अच्छा, फ़ोन ऑन हो गया है, अब अंदर चल रहे हैं इसको अंदर से फीचर देखने में। ये इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है और यहाँ पर अब हम इसको फ़ोन डिवाइस को एक्टिव करते हैं। अच्छा, और एक हैंड फ्री भी दी है, सॉरी बाकी मैंने आपको बताना भूल गया। सो गाइस, इस बार हैंड फ्री भी दी है वीवो ने और इसमें भी आपको हैंड फ्री भी नज़र आती है। और ये आपको डेटा केबल देते हैं USB टू टाइप सी और एक चार्जर दिया है जो कि 33 फ्लैश चार्ज 2.0 है इस बार, और 33 वॉल्ट का चार्जर भी आप लोगों को मिल रहा है। ये एग्जैक्ट 33 वॉल्ट का चार्जर है, यहाँ से भी देख लें और यहाँ से भी आप देख लें। सो 33 वॉल्ट का चार्जर। सो डिवाइस को एक्टिव करते हैं। सो गाइस, अब इसकी बॉडी की बात करें तो इसका जो वेट है ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं कि 171 ग्राम का वेट है इसका, और साइड की इसकी जो ये स्लिमनेस है वो 7.4 mm की यहाँ से जो है डायमेंशन है। 4000 mAh बैटरी है और यहाँ पर जो कैमरा का थोड़ा बम दिया हुआ है बट वो सिलिकॉन केस के साथ हो जाएगा। सो यहाँ से आपको बम नज़र आता है, ये डिज़ाइन है। अच्छा, ये ब्लैक कलर है विद लाइंस, ये आपको नज़र आ रही होंगी। दूसरा जो इसका कलर है वो ये डायमंड फ्लेयर कलर है, ये बड़ा एंटिक डिज़ाइन दिया है मींस के शायद लेडीज़ को माइंड में रखते हुए दिस इज़ अ डायमंड फ्लेयर कलर। अब दो कलर्स में आया है, यहाँ से भी मैं आपको कलर दिखाऊं कि बड़ा रिफ्लेक्टिव कलर, ये कोई वॉलपेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पूरा डिज़ाइन उन्होंने किया हुआ है। दिस इज़ द अनदर कलर ऑफ V21E। मुझे पर्सनली डिसेंट कलर पसंद है तो मैंने ब्लैक अनबॉक्स किया और ये कलर भी मुझे बेहतर कलर लगता है तो इसलिए। और यहाँ पर इसका फिंगरप्रिंट अनबॉक्स है। अब हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ 5.0 है और NFC नज़र नहीं आता, इसमें NFC नहीं होगा। और अब आउट फोन में भी देखते हैं कि इसमें क्या है। 2.3 GHz 720 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 8GB प्लस 3GB, ये क्लियर लिखा हुआ है कि 8GB मीन्स 11GB तक आप यूज़ कर सकते हैं। 128GB जो है स्टोरेज है और एंड्रॉयड 11 है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब आते हैं कैमरा पर, कैमरा 64MP है तो 64MP के हिसाब से इसका रिजल्ट चेक करते हैं। और ये बैक 64MP का कैमरा का रिजल्ट है, ये एक जो है आपको बैक अल्ट्रा वाइड और टू डेप्थ पोर्ट्रेट आप भी इस पिक्चर्स आप रिजल्ट इसका हमने दे दिया है, चेक कर सकते हैं। ओ, फ्रंट सेल्फी 44MP आपको फ्रंट सेल्फी मिल रही है इसमें। 44 मेगापिक्सल आपको बाकी फोन्स में नज़र नहीं आती बट V21E में 44 मेगापिक्सल की सेल्फी है। रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं इसका कि क्या है। ये एक पोर्ट्रेट में मैंने फ़ोटो ली हुई है और ये एक सिंपल फोटो भी आपके सामने, देखिए रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है। सो गाइस, मेरे हिसाब से इस प्राइस टैग में इन्होंने वाकई बेहतर डिवाइस निकाली है एंड दिस फोन वर्थ फॉर दिस प्राइस। गेमिंग प्रोसेसर भी दिया है इन्होंने 720 और प्रोसेसर भी अच्छा है, रैम भी अच्छी है, रोम भी अच्छी है, अच्छा है, सुपर एमोलेड है, स्क्रीन फिंगरप्रिंट है, टाइप सी, 33 वॉट की चार्जिंग और क्या जान लोगे क्या भाई, सब कुछ तो दे दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।